धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगा करके कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद का थाने की पुलिस सबके ऊपर झूठा आरोप लगा करके झूठा केस लगा बिना किसी कार्रवाई। भैया हमारे मसीह समाज का व्यक्ति है, बिना किसी केस के, बिना किसी कार्रवाई के इनको जेल लेके जा रहे हैं। सारे पुलिस वाले यहाँ पर हैं, आप लोग देख लो, कोई केस नहीं है। चार दिन से थाने में रखा था, 29 तारीख से अभी तक ये लोग थाने में हैं। कोई FIR नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई धारा नहीं है, झूठा आरोप लगा करके आप लोग देख सकते हैं इनको जेल में लेकर के जा रहे हैं। भाई को कोई केस नहीं बनता, कोई मामला नहीं बनता। साथियों, गाजियाबाद से एक और मसीही शताब्दी की वीडियो सामने आई, जिसमें पुलिस वालों ने बिना किसी सबूत के केवल लोगों के कहने पर एक मसीही भाई को जेल के अंदर डाल दिया। कुछ नहीं किया भाई ने, कोई सबूत नहीं मिला। ये थाना रिपब्लिक है, महिलाओं के साथ सभी लोग देखो, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। कोई केस नहीं, झूठा आरोप लगाकर मसीह समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार को बढ़ता ही जा रहा है। कोई केस नहीं बनता, जिस मर्जी को उठा करके जेल में डाल देते हैं, जिस मर्जी को उठा करके लोग केस लाद देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एफआईआर नहीं होती। सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कोई भी बात बताने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जब पुलिस अफसर से पूछा गया इसका क्या गुनाह था और इसका सबूत क्या है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सर, क्या केस बनता है इनके ऊपर, क्यों उठाया गया इनको, बताएंगे सर आपको? सर, राष्ट्रीय भीम संगठन से हम लोग कृपया केस बताएं। तो सर, हमें कृपया बताएं कि क्या केस लगा इनके, क्या केस बनता है इन पर, धर्म परिवर्तन, किसका धर्म परिवर्तन किया इन्होंने, सबूत कहाँ है, वो गवाह कहाँ है, कौन कह रहा है, बताइए ना सर। बिना केस किसी को उठा करके जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना सर। किसी को भी उठा करके आप जेल में डाल दोगे? हम लोग देखो भाई, यहाँ पर अभी हम सभी लोग यहाँ थाने पे मौजूद हैं और ये रिपब्लिक पुलिस स्टेशन है, देख सकते हो लोग आप, और सारे हमारे मसीह समाज के लोग हैं। गाजियाबाद में झूठे आरोप लगा करके भाई के बिना किसी सबूत के किसी के भी उठा करके जेल में डाल देते हैं, और पिछले 29 तारीख से इस भाई को जेल में रख रखा था। और पहली बात तो कानून हमें बताता है कि 24 घंटे से ऊपर किसी व्यक्ति को थाने में रख नहीं सकते। इन्होंने 29 तारीख से लेकर के, और आज 2 तारीख हो गई है, 2 अक्टूबर का दिन है, 29 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के दिन तक अभी तक उनको थाने में रखा हुआ था, और आज उस भाई को जेल भेज दिया है। वो कोई पास्टर नहीं है, किसी संस्था जुड़ा हुआ नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कोई केस नहीं। किसी ने अगर झूठा बोल दिया, किसी पड़ोसी ने दुश्मनी निकालने के लिए कुछ बोल दिया, उठा करके सिर्फ उसको जेल में डाल देंगे, कुछ नहीं पूछना, कोई सबूत नहीं। 3/5 का गलत आरोप लगा देते हैं, झूठा केस लगा देते हैं। ये खास तौर से ये थाना रिपब्लिक पुलिस स्टेशन है, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ एक बार। कृपया सारे साथी देखो, सारे भाई एक बार पूछो, सिर्फ झूठा आरोप लगा करके खास तौर से यहाँ की पुलिस ऐसा कर देती है। हमारा समाज कब तक दुख रहेगा? कृपया सभी लोग देख लें। विनती और अनुरोध करते हुए हम लोग विनती और अनुरोध करते हुए पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सवालों के केस तो बताओ, केस भी तो ना बता रहे। सब लोग शांत हो जाओ, सुनो, अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, इन्होंने चालान कर दिया उनका। यहाँ पर हंगामा करने से अभी कोई फायदा नहीं है, अभी जो करना है हम लोग डीएम साहब के पास चलेंगे, डीएम साहब के साथ अपनी बात को रखेंगे। सर, 29 तारीख से उनको थाने में रखा हुआ था और आज 2 अक्टूबर को उनका चालान किया है। 24 घंटे से ऊपर रख नहीं सकते थाने में, 29 तारीख से आज तक थाने में रखा हुआ था। कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई हंगामा मत करो, अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, हम डीएम साहब के साथ जाएंगे, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को हम डीएम साहब के आगे रखेंगे और उसके आगे हम लोग कोर्ट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, सुनो सुनो, वो तो मजदूर है, अपना मजदूरी करके खाना पीना करता है। नहीं नहीं सर, वीडियो नहीं,
चलवा। ये देखिए हमारा अधिकार है, हम लोग बना सकते हैं। अपने अधिकारों की बातें नहीं। एक मिनट, आपके ऊपर हाथ छोड़ा। आप अपने नाम से FIR लिखवाओ। सर कोई तो होगा जहाँ पे सर तुम्हें कुछ पता है। ठीक आ जाइए, आ जाओ। पाँच हजार रुपया महीना देते किराए पे रहते संवैधानिक तौर पर है। भाई कोई नहीं आता, ठीक है, समाज की लड़ाई में कोई नहीं आता, हम ही खड़े होना, ठीक है, कोई नेता नहीं आता किसी के लिए। FIR करते क्यों नहीं हो? संवैधानिक तकलीफ है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके खिलाफ कोई गलत आरोप नहीं। उन्होंने सीधे कहा आप लोगों में से किसने कंप्लेंट करी है, तो नहीं करेगा। हम पे जो आरोप लगाया लड़के पे, किसने लगाया? पूछो नाम उसका, डिटेल दे दो। वो FIR में लिखा रहेगा, FIR में लिखा रहेगा, उसके नाम पे डालेंगे ना। बिल्कुल आप एप्लीकेशन तो लिखिए, बहन का नहीं। आ भाई पता चलेगा कैसे तो एक बार आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, एक बार आ जाओ। नहीं नहीं देखिए जो इस पे FIR, आ जाओ भाई, आ जाओ, आओ दो जन ठीक आओ, वहीं चलो, एक बार आ जाओ, सब आ जाओ, आओ सभी लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। हां बोल, अरे इनसे इधर आओ, आओ माता जी आओ ना, आप साइड में आ जाओ। पुलिस चौक कंधे के ऊपर रखते ना, तो अरे गोरी ओम बहन जी, माता आओ, वहीं चलो, एक बार आ जाओ, सब आ जाओ, आओ सभी लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। हां बोल, अरे इनसे इधर आओ, आओ माता जी आओ ना, आप साइड में आ जाओ। पुलिस चौक कंधे के ऊपर रखते ना, तो अरे गोरी ओम बहन जी माता जी, इनको अरे यहाँ अपना पेपर निकलेंगे, अरे यहाँ अपना पेपर लिख के देंगे ना, इन्हें बहन से वीडियो एक एप्लीकेशन आओ इधर, एक एप्लीकेशन लिख रहे, पेन पेपर भैया, भैया एक पेन पेपर लो जरा, इनकी एप्लीकेशन लिख लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप साथ कुछ भी घटना हुई है, मारो ट्राई करिए, आप कंप्लेंट बनाओ, इनको दो सर कार्रवाई करने, सीधे गए आप कंप्लेंट तो बनाओ, आप कंप्लेंट लिखो अपनी, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, शांत करो, एक पेपर दे दो, फिर एक पेपर दे दो, हम पे FIR के उसका नाम तो एक बार सभी लोग जरा पीछे हो जाओ, हेलो हम सब पीछे, हेलो पीछे, हेलो बात करो, हेलो किसने हम पे कंप्लेंट कौन सा बेटा है कौन भाई, तुम साथ में ये लोग, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, रुक जाओ, चुप हो जाओ, इधर आओ, झूठ बोलने आप लोग को, जिसको भी लगता हमारे साथ में अन्याय हुआ है, अपनी एप्लीकेशन लिखो, कार्रवाई करें। जितने लोग तैयार हैं एक काम करो, पहले ये बताओ इधर आओ, भाई गाड़ी में फाइल लगा, गाड़ी के आगे बोनेट के ऊपर फाइल, खोल दी, खोल दी गाड़ी, एक मिनट, 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 ए
पूरी तरह से अंदर मिल जाएगा पूरी अंदर सबको इजाजत दी है कि हम कोई भी मजहब अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने अपने सरकार मनमानी करके ना जाने कितने लोगों को बेकसूर ही बंद करा है और आज भी सबके पास इनके हाथ में पूछना अम्मा खुद मुझे बता कोर्ट में बनाएगा इनकी जीवन में नुकसान होता है तुम लोगों का जो ड्रामे करते हो ना और आपको बिना देखो लो भाई पूरा छुट्टी हो गई आओ एप्लीकेशन लिख दो मोबाइल है ना सब लाइव आ जाओ जहाँ तक सब लाइव आके अपना अपना बयान अरे मेरा फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो जो हो अपनी आवाज को सभी उठाओगे जब सब लोग बोलोगे बातों के लिए सब लाइव आके बोलो हर किसी को लाइव करें सब लोग अपने फोन में लाइव आ जाएं। साथ ही ये घटनाएं आए दिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आज हमें जरूरत है सामने आने की। अगर चुप रहे तो एक दिन ये हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा था कि एक परिवार में खाना खाते हुए लोगों के घर में घुस गए और वहां धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया। हालत बहुत गंभीर होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताएं।